नमस्कार सारे साथियों, हमारे बीच अभी भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण जी हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस में जो ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम है तो इसमें हमारे बीच उपस्थित हैं वक्ता के रूप में। हम चाहेंगे कि इस छोटे छोटे दुकानदारी, ठेला पटरी और तरह तरह का निर्माण श्रम करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए चंद बातें कहें और संदेश दें। साथियों नमस्ते, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ठेला पर पटरी पर, ये किसान और मजदूर कारीगर परिवार के होते हैं, लोगों के रोजी रोटी का एक जरिया होता है। ये सबसे निहायत गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होता, तो एक गुमटी लगा लिया, कोई ठेला लगा लिया, कोई पटरी पर ही सामान रख करके बेच रहा है। तो ये हमारे भाई बंधु हैं, हमारा समाज तभी समृद्ध होगा जब इन निर्धन परिवारों को रोजगार मिलेगा, इनको ठेले पटरी पर व्यवसाय करने दिया जाएगा। स्थितियां ये हैं कि बड़ी बड़ी जो दुकानें बन रही हैं, बड़े बड़े माल बाजार बन रहे हैं और जो पक्की दुकानें हैं, अगर हम देखिए इसी ठेला पर से कोई सामान लेंगे तो ये 30-40 रुपए का सामान मिलेगा, अगर वही से हम पक्के दुकान पर चले जाएंगे तो 50 रुपए का मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सस्ते में हमारा काम चलाते हैं। और ये जो पक्के दुकानदार हैं, ये हमारे ये बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और ये जो अमेजन वगैरह तमाम और भी इंग्लैंड अमेरिका की कंपनियां हैं जो आकर के हमको लूट रही हैं और हमारे ही भाई बंधु बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो घर घर तिरंगा का नारा जिस तरह से दिया जा रहा है, घर घर रोजगार और इस तरह की बातें भी होनी चाहिए कि यहाँ का हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके और हमारे घर में आकर के इंग्लैंड अमेरिका और तमाम विदेश के लोग रोजगार करें और हम यहाँ पर बेरोजगार बैठे रहें, भूखों बैठे रहें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे किसानों, मजदूरों, कारीगरों और ये सबके लिए शर्मनाक बात है कि हमारा धंधा दूसरा कोई ले जा रहा है और हम यहाँ गुलामों की जैसी स्थिति बिता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से मुकाबला करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।